हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आपके 30 में से 25 मार्क्स आते हैं तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन है एमएस एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ फंक्शन इनसाइड एनोदर फंक्शन इज कॉल्ड। जब किसी फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन या टैक्स फंक्शन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेस्टेड फंक्शन। जब भी किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइन ऑप्शन इन द फॉर्मेटेड सेल डायलॉग बॉक्स। जब हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके अंदर नहीं होता? डबल, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग या सिंगल इंजीनियरिंग? तो देखिए, यहाँ पर जो बिल्कुल ऑड टर्म है या जो आपका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नहीं होता उसका नाम है सिंगल इंजीनियरिंग। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शंस ऑफ द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। जब हम स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं किसकी मदद से? F7 की मदद से, तो इनमें से कौन सा ऑप्शंस नहीं होता? इग्नोर, इग्नोर ऑल, एडिट एंड चेंज? तो राइट आंसर है आपके पास सी, एडिट का ऑप्शंस नहीं होता। या तो आपको वो वर्ड इग्नोर करना पड़ता है या वो वर्ड पूरा की पूरा सारे जितने भी वर्ड है वो सब इग्नोर करने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट एंटर डेटा इन ए सेल। इनमें से कौन सा मेथड सेल के अंदर डेटा एंटर करने की परमिशन नहीं देता? अगर आप एस्केप की प्रेस करते हैं तब, या आप एरो की प्रेस करेंगे तब, प्रेसिंग द टैब की या क्लिकिंग द एंटायर बटन टू द फॉर्मूला बार? तो देखिए, जब आप एस्केप की प्रेस करते हैं तब आप डेटा से बाहर निकल के आ जाते हैं, आप उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। तो राइट आंसर है फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 to M12 इज, यानी कि G2 से M2 की रेंज क्या होती है? देखिए, जब भी रेंज की बात आती है तो समझ लीजिए उसके बीच में आना चाहिए कोलन। तो G2 colon M2, अगर ये है तो समझ लीजिए कि वो आपकी एक रेंज है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है G2 dot M12, गलत है। G2 semicolon M12, गलत है। G2 colon 12, सही है। और G2 hyphen M12, गलत है। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रो होती हैं एंड कॉलम होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको डेटाबेस नहीं बोलते, ड्राइंग नहीं बोलते, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्प्रेड शीट, यानी कि आपका एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर सेवन, यू कैन ग्रुप नॉन कंटिन्यूअस वर्कशीट विद, यानी कि आपको बहुत सारी शीट सेलेक्ट करनी है बट वो कंटिन्यूअस वे में नहीं है, यानी कि आपको पहले शीट 1, फिर शीट 4, फिर शीट 7 सेलेक्ट करनी है। तो आप किस की मदद से कर सकते हैं? ऑल्ट प्लस एंटर की, कंट्रोल की एंड माउस, द शिफ्ट की एंड द माउस, द ग्रुप बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो जब हमें मल्टीपल शीट सेलेक्ट करनी होती हैं तो हम कंट्रोल की का प्रेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर एट, वाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज। अगर आपने
एक्सेल के अंदर कुछ रेंज सेलेक्ट कर रखी है और आपको चार्ट बनाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F2, F4, F8 या F11? तो राइट आंसर है डी, F11। याद रखना F11। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको 11 चार्ट बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफॉल्ट हेडर फॉर ए वर्कशीट इज। वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? हेडर क्या होता है जो टॉप सेक्शन में लगता है? तो डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? यूजर नेम, डेट एंड टाइम, सीट टैब नेम या नन? तो वर्कशीट का कोई डिफॉल्ट हेडर नहीं होता, तो राइट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सल। इनमें से कौन सा एक्सल में जूम परसेंट सही नहीं है? 10%, 100%, 300% या 500%? तो इसमें जो एक्सल में मैक्सिमम जूम जो होता है वो होता है 400%, 400। तो सिंपल सी वाली बात है कि डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल गलत है, 500 वाला जो है वो वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन डैश टूल बार। जो हम स्पेलिंग होती है F7, वो किस टूल बार के अंदर होती है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शंस बी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन सी ड्राइंग टूल बार या ऑप्शन डी रिव्यूइंग टूल बार। तो स्पेलिंग टूल जो होती है वो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होता है। तो राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू नीड ए टेक्स्ट शो टू वर्टिकली इन ए सेल, हाउ विल यू अचीव दिस। आपको कोई टेक्स्ट वर्टिकल में लिखना है तो आप कैसे उसे लिख सकते हैं? तो वैसे आपका टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है? हॉरिजॉन्टली। और अगर आप उसे रोटेट कर दें कितनी डिग्री? 90 डिग्री। तो आपका टेक्स्ट कैसे लिखा जा सकता है? वर्टिकली। वर्टिकल कैसे? मतलब HELLO, ये कैसा टेक्स्ट है आपका? वर्टिकल। तो इसका राइट आंसर है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है? देखिए ऑप्शंस नहीं कह रहा, वो कह रहा है फंक्शन नहीं है। तो काउंट इफ होता है, मिनिमम होता है, एवरेज होता है, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K, बट ये फंक्शन नहीं है। तो 13 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इन MS एक्सेल स्प्रेडशीट डेटा कैन बी सॉर्टेड यूजिंग। यानी कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, मान के चलिए 1000 एम्प्लॉयों का, ठीक, और उसमें से आपको कुछ डेटा क्या करना है? सॉर्ट करना है, मतलब कम से कम लोगों का डेटा लेना है। आपको डेटा निकालना है 100 लोगों का, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे? फिल्टर फंक्शन, एरे फंक्शन, लुकअप फंक्शन या ऑपरेटर फंक्शन? तो बहुत सारे डेटा में से जब हम फिल्टर करेंगे तब जाके हमारा कुछ डेटा सॉर्ट होके आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर है फिल्टर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई। आपके नॉर्मल पैसे लिखे हुए हैं लेकिन आपको उसमें कोई करेंसी का सिंबल लगाना है, जैसे कि डॉलर लगाना है, रुपए का सिंबल लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? डेसिमल प्लेस, करेंसी सिंबल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो सिंपल सी वाली बात है, अगर आपको किसी भी सेल में करेंसी यूज करनी है तो उसके लिए आप करेंसी सिंबल का यूज करेंगे, यानी कि राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16, द डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डेटा। यानी कि आपने क्या किया, आपको इनमें से वो कौन सा फीचर होता है जो आपके डेटा को क्विकली कंप्लीट कर देता है? मतलब आपके यहाँ पे एक सेल में लिखा हुआ है 20, और जैसे ही मैं इस 20 को सेलेक्ट करके उस फीचर्स में सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ले आऊँगा तो हर जगह अपने आप 20, 20, 20 फिल हो जाएगा।
तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑटो फिल्टर, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल या ऑटो सम। तो जब आपका डेटा कंप्लीट अपने आप फिल हो जाता है उसको बोलते हैं ऑटो फिल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एंटर बाय द फंक्शन इक्वल टू टुडे, यानी कि अगर हम टुडे नाम का फंक्शन चलाएं तो टुडे नाम का फंक्शन क्या करता है, डेट दे देता है, टाइम शो करा देगा, टुडे डेट दे देगा या ऑल ऑफ द अबव। तो टुडे नाम का जो फंक्शन होता है वो आपको आज का टाइम बताएगा जो आपके सिस्टम की क्लॉक के अनुसार होगा। तो 17 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट डेट इन ए वर्कशीट सेल। अभी अभी हमने करंट टाइम देखा था, अब इनमें से कौन सा फंक्शन है जो करंट डेट दिखाएगा, इक्वल टू टुडे, इक्वल टू नाउ, इक्वल टू टाइम या इक्वल टू करंट टाइम ब्रैकेट। तो ये इसका फंक्शन है बी। नाउ नाम का फंक्शन जो होता है वो करंट डेट दिखाता है और टुडे नाम का फंक्शन जो होता है वो करंट टाइम दिखाता है, और नाउ नाम का फंक्शन करंट डेट के साथ करंट टाइम भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 19, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन MS Excel। आप एक्सेल के अंदर पेज को कैसे सेटअप कर सकते हैं उसका बॉर्डर, फ्रॉम बॉर्डर टैब में, फ्रॉम बॉर्डर टूल में, फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल बार, या यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। ये आपका सही है, एक्सेल के अंदर आप पेज का बॉर्डर नहीं लगा सकते, ये आप सिर्फ वर्ड में लगा सकते हैं पेज का बॉर्डर। बहुत तरह की आपकी डिजाइन आती है बॉर्डर लगाने के लिए एमएस वर्ड में, लेकिन आपके पेज के बॉर्डर को एक्सेल में आप नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। ये हमारा कौन सा पेज है, एमएस वर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 20, इन एमएस एक्सेल पेज बॉर्डर ऑप्शंस इज अवेलेबल अंडर विच टैब, यानी कि किस टैब के अंदर आपके पेज बॉर्डर का ऑप्शंस मिलता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हम पेज का बॉर्डर लगा ही नहीं सकते, तो जब लगा ही नहीं सकता तो वो किसी मेन्यू में तो मिल ही नहीं सकता। तो इंसर्ट मेन्यू नहीं, पेज लेआउट मेन्यू नहीं, व्यू मेन्यू नहीं, तो आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल। आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और आपको ये पता करना है कि हमारे डेटाबेस में कितनी नंबर ऑफ फीमेल हैं। तो ऑप्शंस है काउंट इफ एस, या काउंट इफ, या काउंट, या बोथ ए एंड बी। तो ये आप दोनों से पता कर सकते हैं, काउंट बोथ ए से, काउंट इफ से भी और काउंट इफ एस से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द फंक्शन टू फाइंड द हाईएस्ट सेल वैल्यू इज, यानी कि आपके डेटाबेस में बहुत सारी वैल्यू है और आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है, तो आप किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, मैक्स, मैक्सिमम, बिग या बोथ ए एंड सी। तो देखिए, ना तो मैक्सिमम नाम का कोई फंक्शन होता है ना बिग नाम का फंक्शन होता है, तो इसका राइट आंसर है ए, मैक्स नाम से फंक्शन से आप पता कर सकते हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल वैल्यू ऑफ सेल फॉर द मेल एम्प्लॉय कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। देखिए, सबसे पहले तो टोटल कर रहा है यानी कि इसमें सम लगेगा, और साथ के साथ वो एक कंडीशन और दे रहा है, तो जब भी सम के साथ कंडीशन आती है तो वहां पर हम सम को यूज ना करके क्या यूज करते हैं, सम इफ। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 24, टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन द एम्प्लॉय नेम यू कैन यूज द फंक्शन नेम। यानी कि आपको किसी भी करेक्टर में किसी के नेम का, मान लीजिए किसी का नेम है आकाश, और आपको ये पता करना है कि आकाश में टोटल कितने करैक्टर हैं, तो
तो आप उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, लेंथ लेन लेन बी या स्ट्रिंग लेंथ। तो आपके लिए लेंथ पता करने के लिए एक ही फंक्शन है एल ई एन। क्वेश्चन नंबर 25, विच फंक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन द डेटा सेट। यानी कि आपके पास काउंट के तीन फंक्शन होते हैं, एक काउंट ए, एक काउंट इफ। काउंट जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, काउंट ए जो होता है वो सबको काउंट करता है, और काउंट इफ पर्टिकुलर एक को काउंट करता है। तो यहां पर पूछ रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल, खाली सेल को भी जो काउंट कर ले वो कर लेता है काउंट ए, क्योंकि ये सबको काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 26, टू कैलकुलेट द एवरेज सेल्स बाय अ मेल एम्प्लॉय द फॉलोइंग फॉर्मूला नीड टू बी यूज्ड। यानी कि आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, वो भी किसका, मेल एम्प्लॉय का। तो सिंपल सी वाली बात है कि इसमें जब आपको एवरेज भी निकालना है और कंडीशन भी है तो फिर एवरेज से काम नहीं चलेगा, फिर काम चलता है एवरेज इफ का। तो ये वाली क्या है, ये वाली आपकी रेंज है, ये वाला क्राइटेरिया, और ये वाला होता है सम ऑफ रेंज। तो पहला राइट आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27, इन एमएस एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज। यानी कि हमें अपनी फाइल को जब सेव करते हैं और सेव एज करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स की क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस होती है फाइल को सेव करने की, F2 रीनेम करने की, कंट्रोल एन न्यू फाइल ओपन करने की, F12, F12 भी आपकी शॉर्टकट की होती है किसी भी सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, शॉर्टकट की टू फाइंड द टोटल ऑफ सम नंबर इज। अगर आपको कुछ नंबर्स हैं आपके पास 20, 23, 25, इनका आपको क्या करना है, टोटल करना है, सम करना है, तो आपके पास शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल्स टू, कंट्रोल इक्वल्स टू, शिफ्ट इक्वल्स टू, या कंट्रोल ऑल्ट इक्वल्स टू। तो ये सब आप अपने सिस्टम में यूज करके भी देख सकते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास ए, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू से आप अपने किसी भी नंबर्स का क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टू ओपन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स यू नीड टू प्रेस। यानी कि आपको स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, F5 रिफ्रेश की, F7, F11 या F2। F2 किसकी होती है, रीनेम की, और स्पेलिंग और ग्रामर की होती है शॉर्टकट की आपकी F7। तो आपको ये बतानी है कि F11 किसकी होती है, ये आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एंड एक्टिवेटेड द रिप्लेस टैब। आपको कुछ चीज फाइंड करनी है, मान के चलो हेलो, और वो रिप्लेस करनी है किससे, मान लो मास्टर टैग से। तो इनमें से आप किस की का यूज करेंगे, कंट्रोल एच, कंट्रोल आर, कंट्रोल एफ या ऑल्ट एफ। तो फाइंड और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एच। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।